कल की अवतार इस पृथ्वी पर कहाँ होगा? ये सवाल आपके मन में भी एक बार उठा होगा। अगर आप कल की अवतार में रुचि रखते हैं और अगर कल की अवतार के बारे में जानने का इच्छा रखते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। महर्षि वेदव्यास ने की थी भविष्यवाणी। महाकाव्य महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेदव्यास के अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे। ब्रह्मांडों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। वीरता संपन्नता खत्म हो जाएगी। शिष्य अपने गुरुओं का पालन नहीं करेंगे। विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा। लोग वेदों का भी पालन नहीं करेंगे। हत्या लूट की घटनाएं बढ़ती चली जाएगी और ऐसा हो भी रहा है। ये तो हर किसी को पता है कि भगवान विष्णु ही कल की अवतार लेंगे। दरअसल कल की भगवान विष्णु के आखिरी अवतार माने जाते हैं। इनका जिक्र आपको कल्कि पुराण और अग्नि पुराण में मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि भगवान हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतार लेगा और सभी पापियों का नाश करेगा। अभी भी कलयुग ही चल रहा है। पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का होगा और भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के समाप्ति पर होगा। पुराणों में ये भी जिक्र है कि भगवान कल्कि का जन्म सावन महीने में संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा के नाम के एक ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान विष्णु के आप 9 अवतारों के बारे में जान गए हैं और 10वां अवतार कल्कि होगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? कलयुग के अंत में सफेद घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर का उद्घाटन किया है। ये बात कितना सच है और कितना झूठ, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसी वीडियो जिस पर आते रहते हैं दोस्तों, आप वीडियो को देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।